है वो भी भाग उनके पीछे भागने लगे भागने लगे भागने लगे। देखते ही देखते कुत्तों का हजूम हो गया और वो खरगोश जो था वो दूर खाड़ी पे जाके किसी झाड़ी के नीचे जाके छुप गया। कोई छेद देखा उसने वहां पे, वो छुप गया। अब क्या हुआ, जो पीछे जो इतनी रेस थी उनको तो कुछ पता ही नहीं था कि ये क्यों भाग रहे हैं, लेकिन देखा किसने था, देखा था वही 3 से 4 ने कि यहाँ पे ये खरगोश गया है और मुझे उसका शिकार करना है। माय डियर फ्रेंड्स, कहानी का मोरल बहुत गहरा है, क्योंकि ठीक खरगोश कुत्तों के जाने का इंतजार में वो अंदर ही दुबके बैठ गया और इंतजार करता रहा कि जब ये जाएंगे तो मैं निकलूंगा। और कुत्ते भी धीरे धीरे वेट कर करके थक गए और बहुत सारे लोग तो वहां बहुत सारे वहां से वो निकल गए, जो ज्यादा 40 से 50 हो गए होंगे एक साथ। तो वो इंतजार करते करते थक गए, लेकिन वो वहां से निकल गए। लेकिन फिर भी वहां पे 3 से 4 कुत्ते जिन्होंने उनको देखा था, खरगोश को देखा था, उसको अपने शिकार को देखा था, अपने गोल उनका तो गोल सेट था ना कि मुझे शिकार हासिल करना है, और उन्होंने शिकार हासिल करने के लिए वहां पे पहरा दिया। माय डियर फ्रेंड्स, अगर बाकी जो भी थे वहां से जो चले गए उन्होंने भी अगर उनका शिकार को देखा होता तो क्या वो वहां से जाते? नहीं जाते। अमित जी वो नहीं जाते ना, क्योंकि उनका गोल सही था। जो बैठे हैं उनको खरगोश दिखा था। मैं अब उनके लिए कहता हूं कि भाई उन लोगों को गोल क्लियर नहीं है, जो लोग अपना माइक तक सुन जो मीटिंग में आए तो हैं लेकिन सुनने के लिए नहीं आए, सिर्फ दिखने के लिए आए, उन लोगों के लिए बिजनेस है भी नहीं। भले ही वो ना आए, भीड़ कम हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हमें दिखाने की कोई जरूरत नहीं है कि इतने हो लोग हैं जी, इतने मीटिंग है, लेकिन क्यों? कारण को ढूंढना होगा। उनको खरगोश नहीं दिखाया गया है, उनको उनका टारगेट नहीं दिया गया है, कहीं ना कहीं फेलियर तो है। और सिस्टम के साथ जो जुड़ा होगा उसका गोल क्लियर होगा और उसको अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कोई रोक नहीं सकता। चलिए, आज बदल गया है हमारा टारगेट, हमने तो प्लान और प्रेजेंटेशन की सोची थी, लेकिन अब मैं बात और दूसरी करने वाला हूं। आज हम लोगों को टीम की स्पिरिट का मुझे मतलब क्लियर करना है, क्योंकि हमको हमारे पास टीम स्पिरिट की कमी दिख रही है। मुझे टीम की स्पिरिट क्यों नहीं है, लीडरशिप, यहां पे मैं लीडरशिप फेलियर जरूर कहूंगा। अगर कहीं ना कहीं हमारी टीम के अंदर लोग आते हैं, मेरी टीम के अंदर कोई लोग आते हैं और वो माइक म्यूट करके बैठे हैं, मेरा काम है उनको रिक्वेस्ट करना, उनको बताना कि भाई मीटिंग में आने का फायदा तभी मिलेगा जब आप उसको सुनोगे। संगत का ही असर होता है, अगर हमारी संगति सही नहीं है तो हम लोग क्या सीखेंगे, राइट? TEAM, ये बहुत छोटा सा अक्षर देखने में लग रहा है लेकिन इसकी मायने बहुत बहुत बड़े हैं। यानी कि टीम, टी से आता है टुगेदर, ई से एवरीवन, जरूर लिख लीजिए, आप ही से बात कर रहा हूं, अगर आपने पेन लिया है तो आप नोट कर लीजिए प्लीज। टी से लिख लीजिए टुगेदर, ई से एवरीवन, ए अचीव, और एम से मोर। टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। अगर हम सबका लक्ष्य एक ही होगा तो हम बहुत बड़ा अचीव कर सकते हैं। टीम का मतलब यह है, एक लक्ष्य, एक टारगेट, और एक टारगेट लोग को लेकर अगर हम सब लोग एक ही दिशा में आगे बढ़ेंगे तब आप बहुत बड़ी हिट कर सकते हैं, बहुत बड़ी हिट कर सकते हैं। वन टारगेट वन डायरेक्शन, और सबसे बड़ी बात है वी फीलिंग, अपनापन, वी फीलिंग। अपना कंपनी है, अपना बिजनेस है, अपनी टीम है, सब कुछ तो अपना है, क्यों तो हम क्यों यहाँ पे किसी वजह से पीछे हैं? टुगेदर एवरीवन कैन अचीव मोर। किसी भी फील्ड में,
किसी भी बिजनेस में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अकेले अकेले भागने से कोई कामयाब नहीं होता। और अगर हम लोग एक साथ होके, हाथ से हाथ मिला के, एक साथ एक गोल के ऊपर हम लोग फिक्स करेंगे, तो हम निश्चित तौर पे अपने टारगेट को हिट कर जाएंगे। एक गोल, गोल तो एक ही है, लेकिन हम अलग अलग दिशा में जाएंगे तो कैसा रहेगा? अमित जी, पहुंच पाएंगे? कतई नहीं पहुंचेंगे, राइट? तो आज एक गोल की हमको अहमियत जरूर हमको समझनी है, अपनी टीम को समझानी है, अपने अपने प्रोस्पेक्ट के साथ बैठ के उनको बिल्कुल खरगोश दिखाना है, खरगोश दिखाना है। अमित जी, जिनको आज तक खरगोश दिखा नहीं, वो क्यों निकलेंगे घर से बाहर? वो कोई बाहर नहीं निकलेगा। हमको उनका लक्ष्य, उनके गोल्स, उनके ड्रीम्स को जगाना है और वहां पे पहुंचने का उनको हिम्मत देना है, और उनका हाथ पकड़ के उनके गोल तक लेके जाने का अगर साहस आप में है, तो ये इंडस्ट्री आपका वेलकम करती है। वन गोल वन डायरेक्शन। दोस्तों, लीडरशिप जो है वो किसके बस की बात है? यहाँ पे सबके सब लीडर हैं। मैं तो कहूंगा 374 374 जो क्वांटिटी दिख रही है, सबके सब लीडर है। लेकिन कुछ लोगों की आंखों पे पट्टी भी बंधी है। अगर कोई आदेश आता है ऊपर से, अगर कोई आदेश कंपनी का आता है, तो हमारा काम है उसको मानना। अगर हम अपने बॉस को यस नहीं कहेंगे, अपलाइन को यस नहीं कहेंगे, हम कंपनी के डिसीजन को ओबे नहीं करेंगे, तो कुछ आगे होने वाला नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, एक अच्छा लीडर जो है वो विजनरी होता है। एक अच्छा लीडर विजनरी, लिख लीजिए, विजनरी, दूरदर्शी,